सबको मालूम है ठीक, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर है सबसे पहली चीज ठीक। इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रकार का लेन देन करना है तो ये POS या माइक्रो ATM मशीन होती है ठीक। यहाँ पर साइड में आप आपका ATM लगा के स्वैप करते हैं, इसमें पिन नंबर द्वारा पासवर्ड डालते हैं आप आपका, जो कि गुप्त होता है, या तो मैं आपको गोपनीयता के लिए उसको आपको अलग दे देता हूँ कि आप चुपचाप डालिए, इस तरीके से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी में होता है। स्वैप करते हैं, अमाउंट डालते हैं, उतने अमाउंट की एक पर्ची निकलती है, इसमें से जो पर्ची निकलती है वो आपका ट्रांजेक्शन कहलाता है, यानी कि जो आपने लेन देन किया उतना पैसा गिन के मैं अपने जेब से या अपने काउंटर से निकाल के देता हूँ जितना आपने निकाला, और बचा हुआ पैसा उसमें लिखा आता है कि हमने इतना ही निकाला इसलिए इसमें इतना बचा। जैसे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है और 1,000 आपने निकाला है तो बाकी के 9,000 की पर्ची में बैलेंस दिखाएगा, मतलब 1,000 निकला है ठीक है ना। जमा करने की बात आती है तो इसमें एक थंब इम्प्रेशन बोलते हैं या फिंगरप्रिंट डिवाइस बोलते हैं, बायोमेट्रिक, जिससे अपन ने आधार कार्ड के द्वारा खाता खोला था। तो जमा करना है तो आप 25,000 रुपये प्रतिदिन, एक दिन में एक अकाउंट में 25,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फिंगर लगती है ठीक, फिंगर, थंब, जो भी आपकी होंगी सुरक्षित है जिसके फिंगरप्रिंट। कई बार क्या होता है बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, राख वगैरह इसमें उसमें, जो लकड़ी काट रहे हैं, कुल्हाड़ी, तो ये फिंगर खराब हो जाती है, तो जो भी उंगली मैच कर रही है उसके द्वारा निकलता है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन ATM मशीन का उपयोग करते हैं ATM। तो अब इसके लिए आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बताओ तो। अच्छा चला के बता रहे हो, निकाल ले रहे इसको, अपन यहाँ पर स्वैप करते हैं, ये स्वैप मतलब खसका रहे ऐसे करते ठीक। इसके बाद पासवर्ड डलता है 4 अंकों का, वो 4 अंकों का पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी पहले से होता है, यदि ATM है तो सबको मालूम है कि पासवर्ड क्या होता है, वो आपको मुझे भी नहीं बताना है ना आजू बाजू किसी को बताना है ठीक है। यदि नहीं बन रहा है तो इतनी गोपनीयता हम लोग रखते हैं कि आपका पासवर्ड हम आप तक ही सीमित रखें ठीक, क्योंकि ATM के साथ होता है। उसके बाद उसको आप, ये मशीन मैं आपको दे देता हूँ, इसके बाद तो आप अपना पासवर्ड 4 अंकों का दबाते हैं खुद अपने आंखों के सामने, जो मैं भी देखना पसंद नहीं करूँगा ठीक है, ना कोई देखना चाहेगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तब हम उसको बोलते लाइए, अब हमें बताइए बहन जी हम कर दे रहे हैं, तो हम उठा के फिर पासवर्ड डाल देते हैं और जो अमाउंट आप डालते हैं वो विड्रॉल हो जाता है। क्या तरीका, सिर्फ इतना, जो कि ATM में करते हैं। गए होंगे आप लोग ATM, यहाँ पे SBI का भी ATM है, HDFC का भी ATM, ये लो आप में से कोई देखना चाहे तो उसको देख ले। जैसे मान लो ये पर्ची दिखाओ, पीछे तक दिखाओ उधर गुड़िया तक। अब ये कि पैसा इनका डिपॉजिट करके बता रहा हूँ मैं, ये पैसा निकाला वो वापस जमा भी कर रहा हूँ। डिपॉजिट करा अपन ने, PNB में क्लिक किया, फिर से आधार नंबर पूछा, ध्यान यहाँ भी देना पर्ची देखने में, आधार नंबर बताइए। 6565 63 19 4 7 19 के बाद 4 7 4719 1975। 100 रुपये हम वापस जमा कर रहे हैं, जमा करते समय भी बताया कि आपने कितना पैसा, सुनना ध्यान से, सुना कितना बोला इसने, 100 रुपये हुआ ना, लगाइए फिर से बोया मुझे यदि सही तरीके से अंगूठा लगा है, सही तरीके से आपने किया है तो विड्रॉल भी होगा, डिपॉजिट भी होगा। निकालना, 100 रुपये अमाउंट डाला, अब ये बोल के बताएगा कि 100 रुपये ही निकाला है, मान लीजिए आपने कुछ और दबा दिया हो तो गलती हो सकती ना, तो नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ध्यान से सुनना।
भाई 100। अब मैंने ओके किया, थम लगाइए भैया, जो भी फिंगर आपकी लगती है। हाँ जो भी लगाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं लेगा, होगा तो ले लेगा। यदि इनका पैसा विड्रॉल होता है नथिंग होगी, जल्दी मत करो समझा रहे, तो ये पर्ची अपने आप निकलेगी। कहा ना मैंने आधा आधा मिनट लिमिट डाल हुआ, ये पर्ची से पता चल जाता है कि इनका पैसा निकल गया। इसमें सब आपको नहीं पढ़ते बंदा, कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई तो पढ़ा।